नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने भी सुना होगा कि गूगल ऐड में 20,000 आपको प्रमोशनल क्रेडिट अमाउंट मिलता है। तो कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जब गूगल आपको 20,000 रुपये तक का क्रेडिट अमाउंट आपको वापस करता है जब आप गूगल एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। देखिए, जब तक आप एडवर्टाइजमेंट को रन नहीं करेंगे पैसे लगा करके, तब तक गूगल आपको कोई भी रिटर्न एडवांस क्रेडिट आपको प्रोवाइड नहीं करता है। आपको 20,000 रुपये अगर लेने हैं गूगल से क्रेडिट के तौर पे, तो आपको पहले उतने पैसे का नेट अमाउंट का ऐड रन करना पड़ता है। नेट अमाउंट का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आप ऐड करते हैं गूगल में अमाउंट, उसमें 18% के आसपास टैक्स डिडक्ट होता है। तो ऑलमोस्ट आप 25,000 के जब कैंपेन चलाते हैं तो उसमें से 20,000 का नेट अमाउंट डिडक्ट होता है आपके एडवर्टाइजमेंट पर्पज से। तो जैसे ही आपका प्रोमो कोड पहले से मिला हुआ है, अगर आपके पास प्रोमो कोड पहले से मिला हुआ है और आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो नेट अमाउंट 20,000 तक मैच करा लेते हैं, तो उसके बाद आपकी अकाउंट जो होती है वो एलिजिबल हो जाती है प्रोमो अमाउंट के लिए, जहां पे आपको 20,000 तक का क्रेडिट अमाउंट गूगल की तरफ से मिलता है। और इसका एक वैलिडिटी होता है, उसी के दौरान आपको इस वाले अमाउंट को टोटल यूज करना पड़ता है ऐड चलाने के लिए, और ये सिर्फ एक ही अकाउंट के लिए यूज होता है, आप दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो इस एलिजिबिलिटी को गेन करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है प्रोमो कोड पहले, जो आपको इनिशियल दौर में ऐड अकाउंट को सेटअप करते समय ही मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।